हाँ जी बेटा, लेट अस अगेन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सर्कल. टुडे वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द एक्सरसाइज 10.1 ना. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 10.2 एंड रिलेटेड टॉपिक. ओके, फॉर दैट फर्स्टली हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करेंगे. नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, या कितने पॉइंट्स दिए हैं कि ऑन ए सर्कल, उस पे डिपेंड. अगर कोई पॉइंट बेटा सर्कल के अंदर दिया और मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता. देखो, नो टेंजेंट इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल. ओके, इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, तीन ही कंडीशन हो सकती है ना, पॉइंट अंदर हो, पॉइंट बाहर हो, या सर्कल के ऊपर हो, देन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. ओके, बट इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, लेकिन अगर पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल, तो 100% बेटा हम क्या करेंगे, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. पॉइंट इनसाइड है, नो टेंजेंट. पॉइंट ऑन द सर्कल है, वन टेंजेंट. पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन आउटसाइड द सर्कल. ओके बेटा, क्लियर? अब बेटा हमारी नेक्स्ट थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हम एक पॉइंट दैट इज आउटसाइड द सर्कल, वी आर ड्रॉइंग टू टेंजेंट्स, तो बेटा लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है ना, वो हमेशा इक्वल रहती है. दैट इज ऑलवेज इक्वल. हम प्रूफ कर सकते हैं, आप मयर करके, जैसे भानु ने बोला था, आप मयर करके भी प्रूफ कर सकते हो. लेकिन हमने प्रूफ करना होता है, तो हम 100% बेटा क्या करेंगे, हम जो है किसी तरह प्रूफ करेंगे. तो उसके लिए बेटा हम कॉन्ग्रेंसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है, थ्योरम कर रहे हैं 10.2 बेटा टू फ्रॉम योर बुक. थ्योरम जो है 10.2 ऑन बेटा पेज 211. क्लियर बेटा? तो बेटा यहाँ पर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, हमने ये प्रूफ करना है. बेटा देखिए, दिस इज अ सर्कल, ओके, दिस इज अ पॉइंट. ये लीजिए, ये एक एक्सटर्नल, हमने एक पॉइंट एक्सटर्नल से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए सर्कल पे. ये सेंटर, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे. ओके, वी लेबल इट एज पी ए बी, और ये हम सारा लिखें. लेट अस राइट, गिवन गिवन पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स. ओके, ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर. नाउ टू प्रूफ, मैंने आपको क्या कहा कि अगर मेरे पास एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो उनकी लेंथ इक्वल प्रूफ करनी होती है, हमने प्रूफ करनी है. तो उसके लिए बेटा हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ पी ए, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ना, पता कितनी होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जहां वो टच करता है. ओके, तो दैट मीन्स टू प्रूफ पी इज इक्वल टू पी बी. ओके, लेट अस नाउ डू द प्रूफ. अब मैंने प्रूफ स्टार्ट करना है. प्रूफ के लिए बेटा देखिए, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विथ प्रूफ ना, हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख लें कि ज्वाइन जो है ओ पी एंड ड्रॉ रेडियस, एंड ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी रेडियस. ये ड्रॉ कर दो, हमने फिगर में ड्रॉ कर लिए थे पहले. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रूफ. सबसे पहले बेटा देखो, मैं ऑरली पहले आपको बताती हूँ. मेरे पास जो है ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली. ठीक है जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है. ये कैसी है,
राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चला, क्योंकि एक एंगल 90 है, कैसे पता चला, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो अब बेटा मेरे पास जो है ये 90 मेरे पास हो गया। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आर एच एस की कंडीशन लगती है, आर मीन्स राइट, दोनों में 90 है, एच हाइपोटेन्यूज, ये दोनों में कॉमन है, और साइड ये और ये रेडियस है तो बराबर होगा, तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनका सब कुछ इक्वल, तो 100% पी ए इज इक्वल टू पी बी। और इवन मैं आपको ये भी बता दूं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो सेंटर से ज्वाइन करता ये पॉइंट, ये सेंटर वाले एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वली कट करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ऑब्वियस है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी इसके इक्वल होता है, ये भी इससे हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, सबको बात समझ आ गई। तो अब बेटा मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, लेट अस राइट इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। ओके, हम लेबल कर देते हैं यहाँ पर एंगल वन एंगल टू, ये नहीं चाहिए हमें, है ना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच 90, यहाँ लिख सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आप पूरा पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आर फॉर रेडियस टी फॉर टेंजेंट, यू हैव टू राइट कंप्लीटली। ओके जी, नाउ मेरे पास जो है आर हो गया, एच ओ पी जो है एंड ओ पी कॉमन सेम है, ओके, देन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस, दोनों में सेम है, तो देयरफॉर मेरे पास ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो अब मैं क्या लिखूंगी यहां पर, देयरफॉर मेरे पास ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ। ओके, तो देयरफॉर अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो दैट मींस पी, अच्छा कौन से क्राइटेरिया से, ये भी लिखना है, बाय आरएचएस क्राइटेरिया। ओके, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, हेंस प्रूफ्ड, हमने यही प्रूफ करना था ना बेटे, क्लियर, सबको बात ये क्लियर हो गई, ठीक है जी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज, है ना, उसी में इनके सब एप्लीकेशंस वी कैन यूज वहां पर करेंगे, ठीक है, फिर हम लास्ट में एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेट अस डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.2 बेटा, हाँ जी। नाउ बेटा व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ओ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल जो है इज 24 सेंटीमीटर, जो है फर्स्ट क्वेश्चन में इट इज रिटन कि मेरे पास जो है दिस इज अ सर्कल एंड जो पॉइंट क्यू जो है उसने बताया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, पॉइंट क्यू ये रहा और लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके, दैट इज गिवन टू मी 24 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट लाइन, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मुझे बोला गया सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो 25 सेंटीमीटर का है। नाउ व्हाट दे आस्क अस टू कैलकुलेट, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, मुझे ये कैलकुलेट करना है रेडियस, मैं ए बी क्लियर कट मुझे विजिबल है कि कौन सी थ्योरम लगेगी, 100% जो है यहाँ पर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, रीजन क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, तो आप कहोगे कि
एंगल ओ ए बी जो है वो 90 है एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. मैं बार बार कह रही हूं, आप पूरा लिखो. ओके, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. ओके, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ठीक है जी, 25 स्क्वायर, दैट इज ओ ए मुझे कैलकुलेट करना है और ए बी 24 स्क्वायर. बस आगे तो आप कर सकते हो, ठीक है, माइनस स्क्वायर कीजिए फिर माइनस कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओ ए स्क्वायर. और ओ ए स्क्वायर आ गया 49 आएगा, माइनस करके मैंने देख लिया है, तो 100% ओ ए इज 49 ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर. चेक कर लेना, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक. ठीक है जी, लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास जो है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर 10.11 दे जस्ट मेंशन, ओ जो है, हाँ जी, टी पी एंड क्यू, दैट इज गिवन टू मी. अब उसने बेटा क्या कहा है कि टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ. दे जस्ट राइट कि ये दो टेंजेंट्स है और सेंटर ओ दिया हुआ है, एंड दे जस्ट मेंशन कि एंगल पी ओ क्यू ये 110 डिग्री है, और उन्होंने कहा है फाइंड एंगल पी टी क्यू, ये एंगल फाइंड आउट कीजिए. ठीक है बेटा, अब ये एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेरी इजी. वैसे तो मैं आपको बता दूं, एक क्वाड्रिलेटर जब विद द हेल्प ऑफ ये दक्ष, हाँ जी दक्ष बोलिए बेटा. मैं वो मैम मैं दोनों सामने वाले एंगल्स वैसे प्रॉपर्टी है मैम में सप्लीमेंट्री होते हैं मैम, वैसे हम थ्योरम से भी कर सकते हैं मैम, दोनों चीजें हो सकती हैं. हाँ जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 100% है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. क्यों होते हैं मैं यही आपको बात बताने लगी हूँ, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये एक क्वाड्रिलेटर बना. अब क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम 360 होता है, उसमें से 180 तो चला ही गया, तो 100% इन दोनों का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. कौन से एंगल, एंगल फॉर्मड एट द सेंटर विद टू रेडियस एंड द एंगल फॉर्मड बाय द टू टेंजेंट्स. ठीक है ना, और ये रेडियस कहीं पे भी नहीं, जो उस टेंजेंट के साथ रेडियस बन रहे हैं वो ही दो रेडियस का एंगल सेंटर पे देखना है. क्लियर, क्योंकि बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, रेडियस तो इधर भी हो सकते हैं, तो जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस है उनका, उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है. बेटर आप सम ऑफ क्वाड्रिलेटर्स करो, कभी भी गलती नहीं होती है. तो यू हैव टू राइट एंगल पी टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू. अगर एमसीक्यू है तो शॉर्टकट में आप कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो. और एंगल टी मुझे कैलकुलेट करना है, पी मेरा 90 है, और मेंशन करना है कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इसीलिए मेरे पास जो है यहाँ पर एंगल जो है पी का 90 डिग्री हो गया, क्यू का 90 हो गया, यहाँ पर 110 और 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, तो ऐड कीजिए और माइनस कर दीजिए, एंगल टी निकल आएगा. ओके बेटा, क्लियर. नाउ मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास तो है. अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हम क्या करेंगे, लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 3 पे इट इज रिटन देयर, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ. क्लियर कट है, टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इन क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट जो है, दैट इज पी P A P B. It is written here.
विद सेंटर ओ जो है आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री दे राइट कि दोनों टेंजेंट जो है वो 80 डिग्री पे इंक्लाइंड किए आई विल शो यू द फिगर ठीक है नाउ व्हाट इज रिटन हियर फाइंड एंगल पी ओ जो है पी ओ ए मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना मैं सबसे पहले क्या करूं ये पूरा एंगल निकाल लूं उसके बाद इसका बाइसेक्ट कर दूं क्योंकि हमने किया था ना इक्वली डिवाइड करता है तो वेरी इजी है ना करने के लिए इन दोनों का सम 180 तो अगर ये पूरा 80 है तो ये पूरा कितना हो गया 100 तो हाफ कितना हुआ बेटा मेरे पास 50 एक मेथड ये है एक आप पहले हाफ कर दो ये 40 हो गया ये 90 हो गया तो ये अपने आप कितना निकलेगा 50 आप जैसे मर्जी पहले हाफ कर लो फिर ऊपर वाली ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी की या पहले आप सप्लीमेंट्री से लेकर वैल्यू निकाल लीजिए फिर उसको हाफ कर लीजिए दोनों मेथड से यू विल गेट योर आंसर ओके बेटा क्लियर नाउ कम टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4th ओके लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th नाउ व्हाट इज रिटन हियर इन क्वेश्चन नंबर 4th बेटा सी from the same exercise question number 4th it is written prove that the tangent drawn at the end of the diameter jo hai of a circle are always parallel they write ki agar maine ek diameter draw kiya theek hai uske end point se agar main tangent draw karu na to wo hamesha parallel अब मैं इसके लिए क्या करूं मैंने मान लीजिए ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए एल एम एन ठीक है मुझे गिवन क्या है कि एल एंड एम आर टू टेंजेंट्स ओके ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स of AB. Let me show you. Okay. तो अब बेटा मेरे पास तो है टू प्रूफ क्या करना है मैंने टू प्रूफ L इज पैरेलल टू M. ओके अब बेटा देखिए यहां पर हम क्या करेंगे अगर मैंने L पैरेलल टू M यहां पर प्रूफ करना है मुझे पता है OA रेडियस होगा अगर OA रेडियस है M टेंजेंट है तो 100% ये एंगल 90 होगा ओके ऐसे ही ओ ए रेडियस है L टेंजेंट है तो A पे एंगल 90 होगा 90 प्लस 90 180 सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 दैट मींस दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स अगर वो को इंटीरियर एंगल्स है तो 100% L और M आपस में क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए बेटा यही मैंने चीज प्रूफ करनी थी ओके जी राइट डाउन प्रूफ ओ बी इज रेडियस एंड एम इज टेंजेंट एंड वी नो इट कि ओ बी परपेंडिकुलर टू लाइन एम तो आप रीजन लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना तो देयरफॉर आप एंगल वन इधर टू देयरफॉर एंगल वन जो है वो 90 डिग्री रीजन आप लिख दोगे ठीक है सिमिलरली एंगल टू भी 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके नाउ एंगल वन प्लस एंगल टू 90 प्लस 90 बेटा कितना हो गया 180 डिग्री बट दीज फॉर्म को इंटीरियर एंगल्स ओके ये ऐसे एंगल्स डालती हूं मैं तो अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो दिस इंप्लाइज एल पैरेलल टू एम क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं अदरवाइज बन ही नहीं सकते ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन सबको ये बात समझ आई है बेटा any doubt to anyone you can ask me beta any doubt to anyone
सबको क्लियर? बहुत इजी चैप्टर है, रिस्पॉन्ड किया करो यस और नो मैम। यस नव्या बेटा, यस नव्या। मैम थर्ड क्वेश्चन में था, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी है, दोबारा कर लेते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया नव्या? यस मैम। चलिए थर्ड क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ बेटा नव्या। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में नव्या क्या था हमारे पास? ये मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए थे और मुझे बताया गया था कि दोनों के बीच में एंगल 80 है और मुझे कहा गया था ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ऊपर वाला। वेट, आई विल शो यू द स्क्रीन। ये देखिए, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करने को कहा था। अब आप दो मेथड से कर सकते हो बेटा। ये एंगल 80 ना, ये थोड़ी सी मेरे से लाइन नीचे को ड्रॉ, यस एंगल 80 पूरा है ना, तो ऊपर वाला 40 होगा क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है। हमने इक्वल टेंजेंट वाले में जब कॉन्ग्रेंट किया था तो मैंने कहा था सारे ही सब कुछ इनका इक्वल हो जाता है ना, तो ये ऊपर वाला 40 हो गया। ये रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 40 प्लस 90, इसको ओ एंगल ओ नाम दे दे तो 180 डिग्री, तो एंगल ओ की वैल्यू 130, 180 माइनस 130, 50 आएगी। पता चला ना भैया बेटा, क्लियर? ठीक है, चलिए लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, लेट अस डू द क्वेश्चन। यस भानु, यस भानु बेटा। मैम ये बाइसेक्ट कैसे हुआ? बेटा अगर आपको याद होगा हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया था, जब ऊपर वाले लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट प्रूव किया था तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है, ये एंगल और ये भी इक्वल होता है और ये वाला और ये भी इक्वल होगा ना, तो वो एंगल को बाइसेक्ट ही करेगा ना। ओके क्लियर? चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, कि अगर मेरे पास जो है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट और टू द सर्कल, कि अगर ये एक सर्कल है ठीक है, टेंजेंट और कोई भी मैंने जो परपेंडिकुलर टू पॉइंट जो है मैंने ये ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर टू द सर्कल है ना, अगर ये 90 है टेंजेंट के साथ तो ये सेंटर से पास करता है। मैंने ये प्रूफ करना, मुझे 90 गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, मैंने प्रूफ करना कि ये सेंटर से पास करता। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये रेडियस है ना, अगर ये रेडियस है तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि रेडियस हमेशा किससे पास करता है, सेंटर से पास करता है कि नहीं। चलिए अब देखो बेटा, इसको करने के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा ऑप्ट करना है, बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अब मैं जो आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अगर मैं मान लेती हूँ कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, लेट अस डिस कंसिडर कि दिस इज नॉट फॉर्मिंग और दिस इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, अगर ये सेंटर से नहीं पास हो रहा, कोई और पॉइंट होगा मेरे पास यहां पर, ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे ले लेती कि ये वाला सेंटर से पास हो, ठीक है। अब ये वाला अगर सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल ये 90 होना चाहिए, अगर ये 90 होना चाहिए तो ये और ये सेम होने चाहिए ना, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90, डिफरेंट तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या, जो हमने अज्यूम किया कि ये सेंटर से पास नहीं हो, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये रेडियस ही होना चाहिए मेरे पास, या मैं ये कह दूं कि परपेंडिकुलर है तो ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो 100% बेटा ये सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थ्रेटिकल क्वेश्चन है ये, मैंने एक आपको फिगर ड्रॉ ऐसे करके दिखाई, मैं आपको एक और तरह से लेट अस ड्रॉ। चलिए
थ्रेटिकल टाइप हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेट अस डू।